हाय एवरीवन, दिस इज नवर अनवर। वेलकम टू हेल्थ एंड फिटनेस चैनल। हमने पहली वीडियो में भी बात की थी कि हम किस तरीके से अपने पंच को रैप करते हैं, किस तरीके से अपने पंच को बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पंच को किस तरीके से थ्रो करते हो, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ताकि आपको सही तरीके से एंगल का पता चले कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस करके अपने पंच की पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से अपने पंच को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आए चले देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने पंच की पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। पंचेस की प्रैक्टिस करने से पहले हमेशा एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि पंच कभी भी हम इस तरीके से नहीं निकालते हैं, ठीक है जी। पंच को पहले रैप करने का तरीका जो कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, आज हम देखेंगे कि पंच परफॉर्म कैसे होता है, ठीक है। ये आपकी पोजीशन होती है चैम्बर पे, ठीक है। अभी मैं आप हॉर्स राइडिंग पोजीशन आपको बताऊंगा जिसे हम आगे अपने पंचेस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि पंच को हम किस तरीके से परफॉर्म करें। ये आपका जो पंच निकलता है आपके चैम्बर से, हमेशा याद रखिएगा वो यहां से लेकर यू लास्ट मोमेंट में चेंज होता है, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से ये दोबारा पीछे चला जाता है चैम्बर में, और ये यहां से जब निकलता है तो लास्ट मोमेंट में इसकी पोजीशन चेंज होती है, राइट। ये देखिएगा, ये आपकी पोजीशन के फिर जब इस तरीके से आप पंच करेंगे तो ये लास्ट मोमेंट में जब जाकर यू पंच टकराता है तो ये आपकी मजबूती वाला पंच होता है हमेशा, ठीक है। ये यू पंच ये रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं होगा, राइट। ये आपके चैम्बर पे पंच आ गया, उसके बाद ये यू लास्ट मोमेंट में निकलेगा, राइट। ये इसका परफॉर्म होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको हॉर्स राइडिंग पोजीशन बताता, क्योंकि हॉर्स राइडिंग पोजीशन में ही हम पंच की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, ये आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, ठीक है जी। परफॉर्म करने से पहले ये आपका बाव, ठीक है जी। बाव करने के बाद ये आपकी हॉर्स राइडिंग पोजीशन आ गई, यानी कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि घोड़े पे किस तरीके से बैठते हैं उसी से ये हॉर्स राइडिंग पोजीशन बनाई है, ठीक है। हॉर्स राइडिंग पोजीशन आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग करती है। पहले आप खड़े हुए इस पोजीशन में, ये आपने वाइड पोजीशन ली अपने लेग्स की, और साथ ही ये आपका चैम्बर, राइट। फिर इसी चैम्बर में हम पंचेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। ये क्लोज पोजीशन में देखिएगा, ये मैं अपने मिडल पे पंच कर रहा हूं, ठीक है। लोअर के पंचेस और अपर के पंचेस इसके बाद परफॉर्म करते हैं। चले जी, आई होप यू रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फ्रंट, देन लोअर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाउ अपर। 1 अपर जो होगा इन फ्रंट ऑफ योर फेस, आपके फेस के सामने। मिडल होगा आपके बिल्कुल मिडल पोजीशन। चले जी स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पोजीशन में आप पंचेस की प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा हाउ टू रैप योर फिंगर फॉर पंच, और सेकंड पोजीशन हमेशा याद रखिएगा थर्ड नोट आपका और थंब इस तरीके से होगा, ठीक है जी। बाकी आने वाली वीडियो में और ज्यादा मजीद हम पंचेस की स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करते हैं ये देखेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।